हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज क्वेश्चन के एक नए वीडियो में जो है प्रस्तावना। आज हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कहां से और कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, और उसे समझेंगे भी। ठीक, चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रस्तावना है क्या। आखिर आपको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। वही उद्देश्य जो प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, वही जाकर 22 जनवरी 1947 को यह पास होता है। पास होने के बाद यही उद्देश्य आगे चल के संविधान में प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों शुरू करते प्रस्तावना। प्रस्तावना क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रस्तावना प्रस्तुत किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, बात आती है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। डेट क्या थी, तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बात आती है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। तो बात आती है, तो प्रस्तावना अमेरिका से ली गया है और प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से, और प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक, ये देखो प्रस्तावना जो होती है वह संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है और प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी भी कहा जाता है और प्रस्तावना को ही संविधान का ढांचा भी कहा जाता है। अब बात आती है कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पूछा जाता है कि संविधान में, अब आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो प्रस्तावना को कहा गया है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, प्रस्तावना को कहा गया है, और संविधान की कुंजी किसे कहा गया है, तो प्रस्तावना को कहा गया है, और उद्देश्य प्रस्ताव किसे कहा गया है, प्रस्तावना को कहा गया है, और उद्देशिका किसे कहा गया है, तो ये सारे नाम किसके हैं, प्रस्तावना के। क्या क्या नाम है, संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, उद्देश्य प्रस्ताव और उद्देशिका, ये सारे नाम किसके हैं, प्रस्तावना के ही नाम है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, हमने प्रस्तावना को देखा है। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हमने शॉर्ट में किया दोस्तों। ठीक, दिनांक आज दिनांक 26 नवंबर 1949 अंगीकृत। ठीक, इसमें जो आपको पहले जो वर्ड दिख रहे हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इससे तात्पर्य है दोस्तों हम आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए संपन्न है। पूर्ण प्रभुत्व संपन्न से यही है कि हम आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए संपन्न है। ठीक है, उसके बाद आते हैं संविधान प्रस्तावित। दोस्तों प्रस्तावना में संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, इसमें प्रस्तावना में संशोधन हुआ, इसमें 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। तो कभी कभी पूछा जाता है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो प्रस्तावना में सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ है, वो भी 1976 में। ठीक है, तो प्रस्तावना में संशोधन 1 बार हुआ है, वो भी 1976 में। ठीक, अब बात आती है कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन हुआ है, वो भी कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन हुआ है, कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक, जनता में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन हुआ है, किसमें, प्रस्तावना में। कैसे, कौन कौन से, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार के जो स्वतंत्रता है प्रस्तावना में इनका वर्णन हुआ है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, तो हमने बड़ी आसानी से देखा दोस्तों कि प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा, कब की, 13 दिसंबर 1946 को, और यह प्रस्तावना आगे चल के पास कब होती है, तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक, उसके बाद आते हैं कि
प्रस्तावना जो है वह अमेरिका के संविधान से ली गई है, और जो प्रस्तावना की भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और प्रस्तावना को क्या क्या कहा जाता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है, और इसे उद्देश्य भी कहा जाता है और उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है, तो प्रस्तावना में संशोधन अभी तक की एक बार हुआ है, वो भी 1976 में, ठीक है। और इस संशोधन के तहत तीन वर्ड जोड़े गए थे, कौन कौन से, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, जैसे तीन वर्ड जोड़े गए ठीक प्रस्तावना में। उसके बाद हमने आपको बताया था कि प्रस्तावना में संशोधन एक बार हुआ, ठीक। उसके बाद हमने आपको बताया कि प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय, क्या, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीन प्रकार के न्याय हैं, ठीक है दोस्तों, किसमें, प्रस्तावना में। अब पांच प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अभी आपने देखा तीन प्रकार के न्याय का वर्णन प्रस्तावना में किया गया था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब देखें, अब पांच प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन हुआ है किसमें, प्रस्तावना में, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखते हैं, कुछ इतिहासकार प्रस्तावना को कहते हैं, N.A. पालकीवाला ने कहा, ये इतिहासकार है, इन्होंने कहा प्रस्तावना को परिचय पत्र कह के संबोधित किया, ठीक। उसके बाद आते हैं कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी इतिहासकार है, इन्होंने भी प्रस्तावना को क्या कहा दोस्तों, दीर्घकालीन सपनों का विचार कह के संबोधित किया, ठीक। तो दो इतिहासकार हैं, N.A. पालकीवाला ने कहा कि परिचय पत्र, और कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा कि दीर्घकालीन सपनों का विचार, किसे, प्रस्तावना को संबोधित किया कहकर। अब आते हैं दोस्तों, दो वाद हैं, एक है वेरुवारीवाद और एक है केशवानंद भारती केरल राज्यवाद। वेरुवारीवाद 1960, इसमें कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन के द्वारा बदला नहीं जाएगा, ठीक है। वेरुवारीवाद 1960, इसमें कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन के द्वारा बदला नहीं जाएगा, ठीक। लेकिन 1973 केशवानंद भारती केरल राज्य में कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ठीक है। तो वेरुवारीवाद में कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केरल राज्य 1973 में कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी हो सकता है और लेकिन मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं होगी, ठीक है। तो हमने दोस्तों बड़ी आसानी से देखा, प्रस्तावना देखा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई 13 दिसंबर 1946 में, फिर हमने प्रस्तावना को क्या क्या कहा जाता है, आत्मा भी कहा जाता है और उद्देशिका भी कहा जाता है और संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से, फिर हमने देखा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब एक क्वेश्चन इसमें फंसता है दोस्तों, बात आए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपको लगता होगा दोस्तों कि B.R. अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात हो रही, नहीं दोस्तों। अभी यहाँ जब संविधान की आत्मा की बात आती है तो प्रस्तावना को कहा जाता है, किसको दोस्तों, किसको कहा जाता है, प्रस्तावना को, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, B.R. अंबेडकर, B.R. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32, किसको दोस्तों, अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा है, ठीक है। तो यहां से कंफ्यूज मत होना, तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अगर बात आती है कि B.R. अंबेडकर ने आत्मा किसे कहा, तो अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, अच्छा लगे लाइक जरूर बनता दोस्तों, थैंक यू।